नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। खास शो जिसमें होगी आज की तैयारी और 20 दमदार स्टॉक्स आपको बताए जाएंगे, जहां पर खबरें गर्म है या फिर जहां पर टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि आप खरीदारी करें या बिकवाली करें, मोटा मुनाफा हो सकता है आज के सत्र में। मैं हूं रजत, मेरे साथ कम्पीट कर रहे हैं सुमित। ग्लोबल क्यूज बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मार्केट्स को, लेकिन फिर भी अगर इतने खराब ग्लोबल क्यूज हैं, ट्रेड वॉर्स हैं, करेंसी डिप्रिशिएट होती जा रही है, भारतीय बाजार गिर नहीं रहे उतनी स्ट्रांगली? देखिए, बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं। इंटरनली मॉनसून इतना ख़राब नहीं गया, पहली चीज़। दूसरा, एडवांस टैक्स के नंबर्स आने हैं, वेटेड हैं। पिछली बार की कॉर्पोरेट अर्निंग्स साउंड थी, इस बार की कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी बोल रहे हैं कि अच्छी ही होगी, मोरलेस कोई खास खराबी की उम्मीद नहीं है। रुपए के को लेकर जो कंसर्न आ रहा है, इनफैक्ट कुछ कंपनीज के लिए या कॉर्पोरेट अर्निंग के हिसाब से तो ज़्यादा बेटर साइड पर काउंट किया जा रहा है, कि इम्पोर्ट ओरिएंटेशन जो है, यानी कि इम्पोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स कम हैं, एक्सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, तो इसीलिए आपकी अर्निंग और बेटर होगी और शायद री रेटिंग की पॉसिबिलिटी दिखाई पड़े। कंफर्टेबल जोन में ऑलरेडी मार्केट आ ही जाता है। जब भी कभी रुपए में कमजोरी आती है तो पहला ड्रैग जो होता है उसको बाजार डिस्काउंट करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कंफर्ट जोन में आ जाता है। तो बाजार अभी मान के चल भी रहा है कि हाँ, रुपया थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन एक्सपोर्ट फ्रंट पे थोड़ी बेटर सिचुएशन रहेगी। एक कंसर्न है पेट्रोल और डीजल, ये जरूर बड़ा कंसर्न है, क्योंकि डीजल प्राइसेस अगर हायर रहते हैं तो हर इंडस्ट्री के ऊपर इसका एक हिट आएगा। किस हद तक आएगा वो कहना मुश्किल है। जैसे लॉजिस्टिक के ऊपर मेजर हिट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में मेजर हिट आएगा, नहीं आएगा आईटी के ऊपर, कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। जेम्स एंड ज्वेलरी को इंपैक्ट नहीं आने वाला। तो ऐसी कुछ कंपनीज हैं जिनके ऊपर शायद इंपैक्ट ना आए, लेकिन हाँ, जिन पर हिट आएगा उनके लिए ये बड़ा क्रूशल है कि अगले क्वार्टर में शायद इंपैक्ट होते दिखाई पड़े उनके अंदर। तो आज के सत्र में पहले फटाफट से एशियन मार्केट्स देखने, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज एशियन मार्केट्स से क्यूज काफी इनकरेजिंग नहीं है। ऊपरी स्तरों पर दबाव ही देखने को मिल रहा है ज्यादातर मार्केट्स में। एसएक्स निफ्टी आपको बता देगा, आधे फीसदी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। शंघाई आधे फीसदी नीचे, हैंगसेंग में 1% की गिरावट हो चली है, अब 309 पॉइंट्स नीचे, निके कमजोर। तो कोई ऐसा एशियन मार्केट नहीं दिख रहा जहां पर कुछ खरीदारी बनती हुई नजर आ रही हो। तो काउंटर स्पेसिफिक रहेगी मार्केट, आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा आज के सत्र में ट्रेड्स लेने के लिए। तो शुरुआती दो ट्रेड्स में तो आपकी ओर से जहां पर खरीदारी की जा सकती है। चलिए, मेरी तरफ से शुरुआत, हम तो अच्छे सारे सभी के सभी शेयर जो मेरी तरफ से हैं बाय साइड पर ही हैं, और पहला नाम जो खरीदारी के लिए वो है ओमैक्स ऑटो का। ये ऑटो एंड स्लरी स्पेस की कंपनी है। कंपनी के बोर्ड ने कल एक नई यूनिट लगाने को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में नई यूनिट लगाएंगे, और ये यूनिट जो होगी इसके थ्रू कंपनी रेलवे कारोबार को केटर करने वाले हैं। रेलवे के लिए कंपनी नई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। कंपनी की मौजूदा क्षमता करीब 80-90% के आसपास है, और यहाँ पर क्षमता और बेटर होने की उम्मीद लगाई जा रही है। 100-120 करोड़ रुपए के आसपास केपेक्स है, जो कि इंटरनल अक्रूवल्स है, यानी खुद कंपनी अपने जो फंड है उनका इस्तेमाल करेगी। हाल में कुछ असेट बेचे थे, उस रकम का भी इस्तेमाल कंपनी इस एंसलरी या फिर इस यूनिट को लगाने के लिए कर सकती है। 116 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 111 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। 112 रुपए 113 रुपए शेयर का पीओचे का भाव है। इसके अलावा दूसरा नाम है एक्सिस बैंक। दरअसल जो वीकेंड पे खबर आई और बड़ी खबर थी कि बैंक के अंदर अमिताभ चौधरी जो बैंक के नए MD एंड CEO होंगे, वो स्पेशली पूरी शफलिंग जो की गई है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट की शफलिंग का बदलाव होना एक्सिस बैंक के लिए काफ़ी बेहतर है। वैसे भी उनकी गाइडेंस के अंदर HDFC बैंक या HDFC ग्रुप जो है वो काफ़ी बेहतर परफॉर्म करके गया भी है। अब आगे उनकी लीडरशिप में एक्सिस बैंक में भी उम्मीद है कि कुछ अच्छी ही जो ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। 660 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। 640 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। पौधों के साथ करूंगा, और पहला सौदा है IFCI, जिसको आप बेचकर चल सकते हैं। वायदा कारोबार का हिस्सा है और रिजल्ट्स बहुत डिसअपॉइंटिंग है। आय जो वो 900 करोड़ से घटकर 641 करोड़ रही है, और मुनाफे से घाटे में कंपनी आई है। 277 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 341 करोड़ के आसपास का घाटा IFCI ने पोस्ट किया है। तो कमजोर नतीजे आज प्ले आउट करेंगे स्टॉक के प्राइस पे। 15 रुपए या 15 रुपए 20 पैसे के आसपास का टारगेट रखें स्टॉक में, बेचें इसे लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। खबर के बलबूते बेच रहे हैं आप तो 16 रुपए 55 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करना होगा। ये वायदा कारोबार का हिस्सा है। REC दूसरा ट्रेड जहां पर बिकवाली की सलाह होगी। पावर स्टॉक्स ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए, पिछले हफ्ते ठीक चढ़ रहे थे, यहाँ पर REC में भी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर तगड़ा रेजिस्टेंस है। हो सकता है कि आज के सत्र में पिछले शुक्रवार को 4% के आसपास ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, प्राइस गिरा, यानी कि मंदी के सौदे ज्यादा खड़े हुए। 2.5% टूटा था, लेकिन आज 110 से 111 छूने की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है REC में। स्टॉप लॉस रखें 116 का, बेचें REC, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी आपके फेवर में। चलिए, इनफैक्ट हमने शुरुआती दौर में दोनों सरकारी कंपनीज की बिकवाली की है, खास को एक तो चलिए नतीजे, दूसरा REC की।
और इस पावर सेक्टर के स्टॉक जैसे पावर ग्रिड, REC, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट ये जो हेवी इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियां जैसे BHEL, सीमेंस, ये वाली स्टॉक्स भी जो थे यहां पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। और US मार्केट में सबसे ज्यादा टूटने वाला तबका यूटिलिटी है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग रहे पावर स्टॉक्स में। ओके, मेरे तरफ से अभी भी खरीदारी की ही शेयर है, एक नाम है सतलुज टेक्सटाइल का, जहां पर खरीदारी की राय दी जा रही है। कंपनी कल एक एनुअल रिपोर्ट जारी की है, इनफैक्ट ये एनालिस्ट कॉल थी जिसके बाद कंपनी ने ट्रांसक्रिप्ट उसकी इशू की है। इसके अंदर कंपनी ने बात साफ की, कंपनी के पास करीब करीब 2 से 2.5 महीने की कॉटन है और रिसेंटली जो कॉटन के प्राइसेस बढ़े हैं उससे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने की उम्मीद है नहीं, पहली चीज़। दूसरा, कंपनी खास तौर से करीब करीब जो 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 भी मेजर कंट्रीज हैं स्पेशली US, 28 से 30% के आसपास के रेवेन्यूज वहाँ से ड्राइव करती है, जो एक्सपोर्ट मार्केट है, वहाँ से अच्छे रेवेन्यूज होने की वजह से जितना भी प्रॉब्लम कंपनी को कॉटन प्राइसेस बढ़ने की वजह से होगा भी वो सेट ऑफ हो जाएगा अमेरिकन मार्केट में एक्सपोर्ट करने की वजह से, फिर डॉलर में मजबूती की वजह से, तो बहुत इंपैक्ट होगा नहीं। और बाजार ने खराब या फिर हायर कॉटन प्राइसेस की वजह से ही शेयर को ऊपरी स्तर से बेचा भी था, तो हो सकता है कुछ वापस एक बाउंस आता हुआ दिखाई पड़े। 56 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब करीब 40 रुपये का यहाँ 45 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें और 46 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैक्लॉयड रसल वो भी देख सकते हैं खरीदारी के लिए। खरीदारी की वजह भी है कि HDFC सिक्योरिटीज़ ने करीब करीब 5 लाख शेयर जो है वो खरीदे हैं। 6 सितंबर को कंपनी के डिस्क्लोजर के हिसाब से खरीदारी की गई है और वैसे भी कल के सत्र में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, 6 से 7% के आसपास का उछाल था। चाहे शेयरों में एक सीधा सीधा ट्रिगर ये भी है कि सेकेंड हाफ डिमांड वाइज काफ़ी स्ट्रांग रहता है और इस बार इस सप्लाई ना आने की वजह से प्राइसेस भी शूट अप कर सकते हैं, तो एक अच्छी तेज़ी कीमतों की वजह से भी तमाम कंपनियों में उछाल है और ये चाय कंपनियों में मैक्लॉयड रसल एक अच्छा दिग्गज नाम भी है। 175 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 162 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, 165-166 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। बिकवाली हो सकती है आज बैंक्स में, जिसमें आप बैंकिंग क्षेत्र के बैंक्स में सरकारी बैंक्स अगर चुनेंगे तो हो सकता है कि वहां पर बिकवाली ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि खबर ही यहां पर नेगेटिव है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे स्टॉक्स में इनफैक्ट 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया RBI ने, फ्रॉड रिपोर्ट करने में देरी के चलते ये जुर्माना लगाया गया है और अब तक 3 सरकारी और बैंक पर कुल मिलाकर 3 करोड़ का जुर्माना लग चुका है। बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है कि स्लिप करे, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिले स्टॉक में, 90 रुपये 50 पैसे या फिर 90 रुपये तक के टारगेट के लिए आप बेचें BOI को और स्टॉप लॉस 95 का स्ट्रिक्टली इस सौदे पे लगाना होगा। आज अगर बाजार कमजोर रहा तो हो सकता है बैंकिंग स्टॉक्स बाजार को बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर जाएं। खरीदना है तो एक स्टॉक है शक्ति पंप्स, जिसमें निचले स्तरों से खरीदारी लौटी है और ये खरीदारी 4 महीने की गिरावट के बाद वन वे ट्रैक में टूट रहा था ये स्टॉक, लेकिन अब निचले स्तरों से पलटा है और शुक्रवार को तो वॉल्यूम भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे। जैसे अभी सुमित ने बताया कि मॉनसून भी बड़ा ट्रिगर है ही मार्केट्स के लिए, जो अब अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट होगा कुछ चुनिंदा कंपनियों के। तो शक्ति पंप्स 445 के टारगेट के लिए आज के लिए खरीदें और स्टॉप लॉस 424 का स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लेकिन बाजार शुरुआती सत्र में कमजोर रहेगा, नीचे मिल गया तो ठीक, लेकिन टेक्निकली 429 के ऊपर ही ये बाय कॉल इनिशिएट हो। चलिए, आपको करीब करीब 8 शेयर बताए गए हम दोनों की तरफ से, कुछ खरीदारी कुछ बिकवाली के लिए, अब रुख कर लेते हैं आज के ईपे शेयर का। ईपे शेयर के तौर पे जो मैंने शेयर चुना है वो खरीदारी के लिए ही है, लॉजिस्टिक्स स्पेस की कंपनी है आर्शिया इंटरनेशनल। पिछली बार आपने सेकल लॉजिस्टिक्स बोला था, वो रुका ही नहीं, बोर्ड मीटिंग हुई नहीं उससे पहले आपने बोला और दमदार एक्शन दिया। सेकल लॉजिस्टिक्स में आज उसका आउटकम भी आ गया है, वो जो खबर थी वो ये कि वीकेंड पे इनकी एक बैठक थी जिसके अंदर प्रेफरेंशियल इशू को लेकर बातचीत हुई, उस पर बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी, ये खबर आ भी चुकी है, लेकिन वो बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज के लिहाज से उसको नहीं लिया गया है। आर्शिया इंटरनेशनल को चुनने की वजह की इडलवाइस ARC जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है इडलवाइस की, उन्होंने एक मेजर होल्डिंग उठाई है, करीब करीब 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ शेयर जो हैं वो इन्होंने खरीदे हैं और ये 27 अगस्त से लेकर करीब करीब 7 सितंबर के बीच में खरीदारी की गई है, डिस्क्लोजर कंपनी ने दिया है। तो पिछली करीब 23-24% के आसपास का स्टेक था वो और बढ़ाया गया है कंपनी की तरफ से, इतनी अगर मासिवली स्टेक उठाया जा रहा है तो हो सकता है कुछ एक रिएक्शन इसका आता हुआ दिखाई पड़े, लेकिन ये सिर्फ इंट्राडे के लिहाज से ही अपनी पोजीशन को आप देखिएगा, कोई बड़ा इसमें कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, लेकिन ये इंट्राडे के लहाज से अपनी पोजीशन को देखिएगा और इस खबर के आधार पर शेयर को देखिएगा। 52-53 रुपये तक की 40 शेयर में देखने को मिल सकती है, 44 रुपये का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और 53 रुपये के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, लेकिन एक कंपनी है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, जैसे मैंने कहा कि एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियां जो है वो हरकत में है और ये प्रूफ भी हो रहा है, निश्चित रूप से तगड़ी खरीदारी स्टॉक पर
देखने को मिल रही है और पिछली बार तो दो हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम के बीच में खरीदारी हुई। रुपया जो लगातार टूटता जा रहा है अब वो रिफ्लेक्ट होगा आने वाले समय के लिए अर्निंग, इसी के चलते हो सकता है सुधर जाए। और वैसे भी FIIs के रडार पर तो है ही, FIIs का लगभग 14% के आसपास का हिस्सा है इसमें और MF म्यूचुअल फंड यानी कि 4% के आसपास का हिस्सा गोकुलदास एक्सपोर्ट्स में होल्ड करते हैं। कंपनी का खुद कहना है कि वो कैपेसिटी सालाना बढ़ा रही है, 25% सालाना कैपेसिटी बढ़ाएगी आने वाले समय के लिए। अर्निंग्स बेहतर रह सकती है और अर्निंग्स में सुधार भी देखने को मिला है अगर पिछले कुछ क्वार्टर्स का डेटा देख लें तो। 95 के टारगेट के लिए गोकुलदास पर बेट लगाएं और 88 ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको आज के सत्र के लगाना। चलिए, 5 शेयर बताए गए हैं मेरी तरफ से और सभी के सभी शेयर्स खरीदारी के लिए हैं। शुरुआत की मैंने ओमैक्स ऑटो के साथ, कैपेसिटी कंपनी ने बढ़ाई है, रेलवेज को सप्लाई करने के लिए नया प्लांट लगा दी है, 116 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 111 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। एक्सिस बैंक मैनेजमेंट में फेरबदल, 660 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 640 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। सतलुज टेक्सटाइल करीब 56 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 48 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। मैक्लॉयड रसल करीब 170 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 162 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। और ईपीएस शेयर के तौर पर आशिया इंटरनेशनल को चुना गया है, करीब 52 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 43 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। तीन बिकवाली के सौदे हैं। शुरुआत में IFCI जिसके नतीजे कमजोर हैं, बेचा जा सकता है ये स्टॉक 15 रुपए 20 पैसे के लिए। REC को बेचकर चलें, शुक्रवार के सत्र में ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया, मुनाफा वसूली हो सकता है कि इस हफ्ते भी देखने को मिले। 110 के टारगेट के लिए बेचें REC और 116 का स्टॉप लॉस लगाएं। बैंकिंग हो सकता है कि कमजोर तबका रहे मार्केट का, बैंक ऑफ इंडिया जिसमें RBI ने जुर्माना लगा दिया 1 करोड़ का, आज स्लिप हो सकता है, ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली दिख सकती है, 90 रुपए 90 रुपए 50 पैसे के लिए बेचें, 95 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें। और दो स्टॉक्स जिसपे एक्शन रह सकता है, एक है शक्ति पंप्स, लगातार गिरावट के बाद 4 महीने की गिरावट के बाद संभलने की कोशिश है, 445 का टारगेट शक्ति पंप्स पे, और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स क्योंकि एक्सपोर्ट्स से जुड़ी कंपनियां वैसे ही फोकस में है, दो हफ्ते की औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स, FIIs की तगड़ी होल्डिंग है इस कंपनी में। 95 के टारगेट के लिए गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को खरीदा जा सकता है। आपको 10 स्टॉक्स बताए सुमित की शीट पर, सभी खरीदारी के सौदे हैं, मैंने 3 बिकवाली के सौदे और 2 खरीदारी के सौदे बताए, लेकिन आगे बढ़ते हैं और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर खरीदारी की जा सकती है उसमें FMCG हो सकता है कि निचले स्तरों से पलट जाए, क्योंकि बहुत बिकवाली ऑलरेडी सभी स्टॉक्स में हमने देखी है, गोदरेज कंज्यूमर्स साथ ही साथ ब्रिटानिया नेस्ले, इन सभी मुनाफा वसूली के बाद शुक्रवार के सत्र में संभलने की कोशिश थी, बाजार आज कमजोर खुला, तो एक ऐसा तबका है जहां पर हो सकता है कि डिफेंसिव बाइंग इमर्ज हो। यहां पर तो ताज़ा खरीदारी हो गई निचले स्तरों से गोदरेज कंज्यूमर में, जिसमें 3% के आसपास ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप और 2% प्राइस उछल गया, हो सकता है कि तेज आज भी हो, 1368-1375 के जोन्स तक के लिए खरीदारी की जा सकती है, और स्टॉप लॉस लगाना हो तो 1332 का स्ट्रिक्टली गोदरेज कंज्यूमर पे एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। FMCG स्टॉक्स पे नजर रखनी होगी, निचले स्तरों से बाइंग एक्सपेक्टेड है। NIIT लिमिटेड, ये पिछले हफ्ते भी आपको बताया गया था स्टॉक की, स्टॉक में एक्शन रहेगा और ये वीकली हाई के आसपास ही बंद होता हुआ नजर आया है, जोरदार तेजी स्टॉक में दिखी जो इसको 100 के ऊपर ले गई, 103-104 के जोन्स पर रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर तगड़ी खरीदारी हो सकता है कि NIIT लिमिटेड में बन जाए, लेकिन जिस हिसाब से वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं तो उम्मीद यही है कि ये 99-100 इन जोन्स को होल्ड कर जाएगा, और अब उसी को एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, 99 का लगाइए एक स्टॉप लॉस और टारगेट 106 तक के देखने को मिल सकते हैं। एजुकेशन शेयर्स बाजार में इस समय फ्लेवर में है, निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिल रही है। मेरी तरफ से अगला नाम है वो है राइट्स का, रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर आम है जो कि लिस्टेड है, कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, ऑर्डर है 294 करोड़ रुपए का। दरअसल ये ऑर्डर जो है ये रेलवे लाइंस की डबलिंग करने को लेकर मिला है और एक MP में प्रोजेक्ट है, इनफैक्ट साउथ में एक प्रोजेक्ट है जिसको लेकर कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। हो सकता है इस ऑर्डर के आधार पर कुछ शेयर में तेजी देखने को मिले, 280 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 258 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 261 रुपए शेयर का बेचने का भाव है। इसके अलावा एक नाम है थायरो केयर, जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, बोर्ड ने एक बायबैक है उसको मंजूरी दी है, जो बायबैक को मंजूरी दी गई है वो 730 रुपए प्रति शेयर के दाम पर दी गई है, 640 का मौजूदा स्तर है, 730 रुपए के दाम पर ये बायबैक है, 70 रुपए के आसपास का एक पोटेंशियल अपसाइड बायबैक के मद्देनजर शेयर में है, 690 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 630 रुपए का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ पर खरीदारी जरूर चलने के लिए थायरो केयर के अंदर। टाटा ग्रुप की जो कंपनी है वहां पर एक्शन ज्यादा देखने को मिल रहा है इस समय, उसमें कंपनी है टाटा स्पंज जिसमें अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई शुक्रवार के सत्र में, और हो सकता है इस हफ्ते का आगाज भी ये बेहतर करे क्योंकि टेक्निकली सभी एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहा है, तो टेक्निकल कॉल है, नीचे मिल गया तो बेहतर, लेकिन आप शुक्रवार की क्लोजिंग के हिसाब से 977 ये एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और टारगेट 1000 के पार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 1005-1010 तक के टारगेट्स के लिए टाटा स्पंज पे दाव लगाएं, 977-975 ये आपका एक स्टॉप लॉस जोन होगा। साथ साथ अगला शेयर जहां पर आपको नजर रखनी है और जहां पर
एक्शन रह सकता है वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन, जहां पर निचले स्तरों से हो सकता है खरीदारी बन जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 52 हफ्ते के निचले स्तर पे है, निचले स्तरों से तगड़े रिवर्सल के साइन है, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, एक हफ्ते के निचले स्तर पे कामकाज कर रहा है, पलटा तो तगड़े रफ्तार पकड़ सकता है। आप शिपिंग कॉर्पोरेशन पे आप नजर रखें, 57-56 ये एक टारगेट जोन रहेंगे आज के लिए। स्टॉप लॉस 52 का एक स्ट्रिक्टली फॉलो करें और SCI पे बैट लगाएं तेजी की साइड। मेरी तरफ से अगला नाम जो है वो है अपार इंडस्ट्रीज, जहां पर खरीदारी और चलने की राय दी जा रही है। प्रमोटर की तरफ से कुछ शेयर बाय है, हालांकि शेयर तो बहुत सब्सटेंशियल क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन जो इंडिकेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। ये प्रमोटर लगातार हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, 5 से 6 सितंबर के बीच में प्रमोटर की तरफ से जो स्टेक है वो और खरीदा गया है। 635 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 610 रुपये स्टॉप लॉस रखें, 617-618 शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। और इसके अलावा एक और नाम जो है वो है न्यूजन सॉफ्ट का, ये हाल की ही लिस्टिंग है, IPO इंडेक्स के अंदर शामिल भी है। इसने करार किया है NIC बैंक के साथ, ये ऑर्डर बेसिकली कंपनी को मिला है और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। 250 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 234 स्टॉप लॉस रखें, 238 रुपये शेयर का प्रीवियस डे का भाव है। लेकिन दो ऐसे शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी रफ्तार दे सकते हैं और जहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में, आज के सुपर हिट शेयर्स देखिए। ऑटो एंसिटी वैसी फ्लेवर में ऐसे मार्केट में, और एक कंपनी के बारे में तो बार बार बात करते हैं, मिंडा इंडस्ट्रीज, और उस पर रिपोर्ट आ गई है मैक्वायरी की, जिसमें उन्होंने टारगेट्स दिए हैं 550 के, शेयर अभी 400 के जोन्स पे चल रहा है, हो सकता है यहाँ से काफी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक पे देखने को मिले। FY21 तक उनका यह कहना है कि 34% यहाँ पर मुनाफे की ग्रोथ रह सकती है, बेटा की परफॉर्मेंस तगड़ी रहेगी, आगे ऑपरेटिंग फ्रंट पर ही कंपनी के नतीजे दमदार रह सकते हैं। आउट परफॉर्म रेटिंग दी है मैक्वायरी ने मिंडा इंडस्ट्रीज को, जो टारगेट दिया वो है 550, मौजूदा स्तरों से बहुत ऊपर। ऑटो सेक्टर में बदलाव के हिसाब से कंपनी के प्रोडक्ट्स तैयार हैं, और वैसे भी अब कहीं ना कहीं बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज हम देखेंगे आने वाले समय के लिए ऑटो एंसिलरी कंपनियों के यहाँ पर, जो अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होगा उसमें ई व्हीकल से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स होंगे वो बहुत एग्रेसिव रहेंगे इनके पोर्टफोलियो में। इसके अलावा मजबूत मार्केट शेयर है, कोर प्रोडक्ट्स में टेक्नोलॉजी लीडरशिप से कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। ये तमाम पैरामीटर्स गिनवाए गए हैं, तमाम इंडिकेशन गिनवाए गए हैं मैक्वायरी की ओर से, जिसके हिसाब से मैक्वायरी कह रहा है कि मिंडा इंडस्ट्रीज प्रेफर्ड पिक है ऑटो एंसिलरी स्पेस में। इस पर दाव लगाया जा सकता है, ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, शुक्रवार के सत्र में भी दबाव ही देखने को मिला था 1% के आसपास, तो उछला तो दमदार एक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक पे आप 420 तक का टारगेट लेकर चले आज, और 400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर मिंडा इंडस्ट्रीज खरीदारी किराए। इनफैक्ट जो कंपनी हमने चुनी है ऑटो एंसिलरी स्पेस में, किसी भी लिहाज से, हर लिहाज से, चाहे अच्छे मैनेजमेंट हो, कंपनी के पास कैश हो, डेट फ्री हो, ग्रोथ हो, प्रोडक्ट प्रोफाइल हो, एक्सपोर्ट्स हो, हर लिहाज से बेहतर है ये कंपनी का। जो स्टॉक प्राइस है 400 रुपये का, ये एडजस्टमेंट के बाद है, इसमें बोनस भी आ चुका है, लेकिन उसके पहले भी इस कंपनी के पास करीब 200 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट्स है, करीब हर प्रोडक्ट में शायद 10 से 12 सेगमेंट में काम करती है, और हर सेगमेंट में कम से कम 15 से 20 प्रोडक्ट्स कंपनी केटर करती है, स्विचेस से लेके, स्टीयरिंग से लेके, गियर से लेके, EVs के प्रोडक्ट तक ये कंपनी बनाती है, मैनेजमेंट के ऊपर कोई डाउट नहीं है। अभी रिसेंटली एन के मिंडा हमारे चैनल पे भी आए थे, उन्होंने भी कंपनी एक्सपेंशन में बातचीत की, और साथ साथ कंपनी डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री रादर, और कैश स्ट्रॉन्ग, हैवी कैश फ्लो वाली कंपनी है, तो हर लिहाज से कंपनी अच्छी है, आप उस पर ध्यान नजर रख सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से कंपनी चुनी गई है वो है इंडोअमीन, ये कंपनी केमिकल स्पेस में स्पेशलिटी केमिकल एक कारोबार के अंदर कंपनी है। अगर आप पिछले 5 साल का ट्रेंड उठा के देखेंगे तो इस कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है, पहले टर्न अराउंड स्टोरी हुई और उसके बाद ये कंपनी का मुनाफा कई गुना बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा, इनफैक्ट पिछले 4 साल में या 3 साल में 3 गुने के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टेटस है कंपनी का, स्ट्रॉन्ग कैश है, और जिस ग्रोथ ने दिखाई है, जो स्पेशलिटी केमिकल के अंदर अच्छी ग्रोथ आई है उसमें ये शेयर भी शायद पार्टिसिपेट कर सकता है। आप खरीदारी कर सकते हैं 125 रुपये के टारगेट्स के लिए, 112 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। चले मेरी तरफ से 10 शेयर दिए गए हैं, सभी के सभी शेयर जो है वो खरीदारी के लिए ही बताए गए हैं। शुरुआत मैंने की है ओमैक्स ऑटो के साथ, 116 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 111 रुपये का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एक्सिस बैंक में 660 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 640 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। सतलुज टेक्सटाइल करीब 56 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 48 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करें। इसके अलावा मैक्लॉयड रसल करीब 175 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 162 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। आर्शिया लिमिटेड करीब 52 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 43 रुपये का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन किया जा सकता है। साथ ही साथ आप राइट्स पे दाव लगा सकते हैं, 280 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 258 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। थायरो केयर 690 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी, 635 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपार इंडस्ट्रीज 635 के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर सकते हैं,
हैं, 610 का स्टॉप लॉस यहाँ पर भी मेंटेन कर सकते हैं। न्यूजन सॉफ्ट हाल की ही लिस्टिंग है, करार किया है, 250 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 234 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और साथ ही साथ सुपर शेयर के तौर पर इंडो अमीन चुना गया है, 125 रुपए के टारगेट के लिए 112 रुपए के स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। शुरुआत मैंने 3 बिकवाली के सौदों के साथ की है। IFCI जिसके नतीजे कमजोर हैं, बेचा जा सकता है 15 रुपए या फिर 15 रुपए 20 पैसे के लिए। REC शुक्रवार को मुनाफा वसूली थी, ये कमजोर रह सकता है इस हफ्ते, 110 के टारगेट के लिए बेचें, 116 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। बैंकिंग हो सकता है कमजोर तबका रहे आज, और बैंक ऑफ इंडिया जिसमें 90 रुपए 50 पैसे के टारगेट के लिए बेचें स्टॉक को। खरीदना है तो शक्ति पंप्स और साथ साथ एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियां, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स यहां पर 95 का टारगेट है, 88 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। FMCG में गोदरेज कंज्यूमर बहुत ज्यादा पिटाई के बाद निचले स्तरों से पलट रहा है स्टॉक, आज के लिए टारगेट 1368 से 1375 की रेंज। NIT लिमिटेड और टाटा स्पंज जैसे जो स्टॉक्स हैं वो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकते हैं, और शिपिंग सेक्टर से जुड़ी कंपनियां खासतौर सरकारी कंपनियों पे आप बेट लगा सकते हैं। SCI जिसमें 57 का टारगेट है और 52 का एक स्टॉप लॉस। मिंडा इंडस्ट्रीज पे मैक्वायरी की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, टारगेट दे रहे हैं वो 550, आज के दिन के लिए ट्रेड करते हैं तो 418 से 420 की रेंज के लिए टारगेट सेट करें और 400 का लगा लीजिए एक स्टॉप लॉस। चलिए करीब करीब 3 शेयर बिकवाली के लिए हैं और 17 शेयर खरीदारी के लिए आपको बताए गए हैं।